हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल कुक विद खुशिका में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हक्का नूडल्स की रेसिपी। आप इसे वेज चाउमीन भी कह सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए हम मिलकर फटाफट इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हक्का नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें नूडल्स को बॉईल करना होगा। तो उसके लिए मैंने एक बड़े पतीले पे आधा पतीला पानी ले लिया है। लगभग ये 4 से 5 गिलास पानी है। पानी जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाए तो उस पानी में हमें डालना है आधी छोटी चम्मच नमक। नमक आप ज़रूर डालें, अगर नमक ना डालेंगे तो चाउमीन हमारी बहुत ही बेस्वाद लगेगी। नमक डालने के बाद इसमें डालना है हमें 1 चम्मच तेल। आप इसमें कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि नूडल्स आपका बिल्कुल फ्रेश और चिपका चिपका ना रहे तो इसमें ऑयल ज़रूर डालें। पानी में नमक और तेल डाल दिया है, उसके बाद हमें इसे थोड़ा सा उबाल आने देना है। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो इसमें हम डालेंगे नूडल्स। और ये देखिए पानी में उबाल आ गया है और ये मैंने लिया है एक नूडल्स, एक लेयर। ये मैंने मोटे वाले नूडल्स लिए हैं। अगर आपको पतले वाले पसंद हो तो आप पतले वाले भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी बाज़ार में मिल जाता है। अगर आपको बाज़ार में नहीं मिल रहा तो आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। नूडल्स डालने के बाद स्पून से इस तरह मिक्स कर दे जिससे कि नूडल्स फैल जाए, थोड़ा एक दूसरे में चिपका बना रहे। एक बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आप नूडल्स बॉईल करें तो आप पानी की क्वांटिटी दुगनी रखें और किसी बड़े बर्तन में करें जिससे कि नूडल्स हमारा अच्छे से बॉईल हो सके। नूडल्स को हमें मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक उबाल आने तक उबालना है। इसे ढक के ना उबालें, नहीं तो ये नूडल्स बाहर आ जाएंगे और इसका पानी भी सारा बाहर आ जाएगा। 8 मिनट बाद हम चेक करेंगे नूडल्स को और ये देखिए नूडल्स हमारा हो गया है। हमें नूडल्स को 90% ही पकाना है, 100% ना पकाए। अगर ज़्यादा इसे पकाएंगे तो चिपचिपा हो जाएगा। यहाँ हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इस नूडल्स के पानी को अलग कर देंगे नूडल्स से। आप इस नूडल को किसी छलनी या फिर बड़े स्टेनर में निकाल के छान लें। ये देखिए मैंने यहाँ लिया एक स्टेनर, इस स्टेनर में मैं सारे नूडल्स को डाल दूंगी जिससे कि पानी आराम से निकल सके। नूडल्स को छानने के बाद हमें इसे ठंडे पानी से एक बार और अच्छे से वॉश कर लेना है। तो मैंने 1 गिलास ठंडा पानी लिया है, इसे नूडल्स पर अच्छे से स्प्रेड कर दे। इस तरह पानी डालने से क्या होगा कि नूडल्स ठंडा भी हो जाएगा और इसकी गर्माहट की वजह से ये ओवर कुक भी नहीं होगा। मैंने यहाँ 2 गिलास ठंडे पानी से इसे वॉश कर लिया। आप नॉर्मल पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच तेल। तेल डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दें जिससे कि एक दूसरे में ये चिपके ना और ये फ्रेश रहे। ऑयल डालने के बाद हमने ऑयल और नूडल्स को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमें नूडल्स को इसी तरह रख देना जिससे कि ये ठंडा हो जाए। तब तक हम इसका मसाला तैयार करते हैं। तो चलिए हमें चाहिए एक कढ़ाई जिसमें मैंने डाला है 3 से 4 बड़े चम्मच तेल। तेल डालने के बाद हमें इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लेना है। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें इसमें डालना है 12 से 13 लहसुन। मैंने इसे बहुत ही बारीकी कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। लहसुन डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेना है। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप यहाँ पर हरी मिर्च डाल सकते हैं 2 से 3। और हमें यहाँ डालना है कुछ सब्जियाँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 बड़ा प्याज कट किया हुआ, 1 बड़ा गाजर कट किया हुआ। मैंने इन दोनों को बहुत ही बारीकी कट किया हुआ है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 शिमला मिर्च कट किया हुआ। आप इसमें अपनी मनपसंद सब्जियां भी डाल सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, कोई से भी सब्जी आप अपनी मनपसंद इसमें डाल सकते हैं। मैंने सारी सब्जियों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इन सारी सब्जियों को हमें हाई फ्लेम पर अच्छे से 1 मिनट तक चलाते हुए भून लेना है। इन सारी सब्जियों को भूनते हुए हमें 1 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मशरूम। मैंने यहाँ मशरूम थोड़े से कट करके लिए हुए हैं क्योंकि मेरे घर में थे मशरूम, तो मैंने सोचा चलो मैं इसे भी डाल देती हूँ। मशरूम डालने के बाद इन सारी सब्जियों को वापस से हमें 1 मिनट के लिए भून लेना है। इसे ओवर कुक नहीं करना है। अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 छोटी चम्मच नमक। मैंने यहाँ नमक बहुत कम डाला है क्योंकि मैं इसमें सॉस डालूंगी, तो सारे सॉसेस में नमक होते हैं, इसलिए नमक आप थोड़ा कम ही डालें। सारी सब्जियाँ भून के रेडी हो गई। तो अब मैं इसमें डालूंगी 1 बड़ा चम्मच जितना विनेगर, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस। मैंने यहाँ डार्क सोया सॉस लिया है। अगर आपके पास लाइट सोया सॉस है तो आप 2 चम्मच डालें। इसी के साथ डालना है 1 बड़ा चम्मच ग्रीन चिली सॉस। मैंने यहाँ मिर्ची बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, मैं यहाँ सॉस ही डाल रही हूँ। फिर यहाँ डाल रही हूँ मैं रेड चिल्ली सॉस 1 चम्मच और इसमें डालना है 1 चम्मच टमेटो केचप। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप सॉस और भी इसमें डाल सकते हैं। अब इन सारे सॉस को डालने के बाद अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है।
आप जब भी सॉस डालें तो गैस की फ्लेम लो रखें, अगर हाई रखेंगे तो सॉस नीचे से चिपक जाएगा और फ्लेवर बहुत ही जला जला आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे नूडल्स जो हमने पहले से ही उबाल के रखा था। और ये देखिए दोस्तों, नूडल्स हमारा कितना अच्छा खिला खिला है, ये एक दूसरे में चिपका हुआ भी नहीं है। अब इसी के साथ इस नूडल्स में डालूंगी मैं एक छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। नूडल्स में काली मिर्च का पाउडर डालने से नूडल्स का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो आप भी इसे ज़रूर डालें। अब इन सारे सॉस और नूडल्स को अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेना है। अक्सर करछी या स्पैचुला से नूडल्स मिक्स नहीं होता है, तो आप इस ट्रिक्स को ज़रूर अपनाएं। एक हाथ में फोर्क ले ले और एक हाथ में अपना करछी पकड़ ले और इस तरह दोनों को पकड़ते हुए चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर ले, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। मैं आपको दूसरा ट्रिक्स भी बताऊँगी। दूसरा और सबसे आसान ट्रिक ये है कि एक हाथ में आप फोर्क ले लें और एक हाथ में आप स्पून ले लें जिससे आप खाना खाते हैं, और इसे नूडल्स को चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लिए, बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। मैं तो ऐसे ही मिक्स करती हूँ। अगर आप इस तरीके से नूडल्स को मिक्स करेंगे तो आपके नूडल्स टूटेंगे भी नहीं और सॉस में बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए हमारे सॉस और नूडल्स दोनों अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम आप बंद कर दें और हम चलते हैं इसे सर्व करते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हक्का नूडल बन के रेडी हो गया है, तो आप इस नूडल्स का मज़ा घर पर ज़रूर लें और अपने बच्चों को भी दें, ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। लगभग हमें इसे 10 मिनट लगा बनाने में, ये बहुत ही स्वादिष्ट नूडल्स बन के रेडी हो जाती है। तो कैसी लगी ये रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल कुक विद खुशिका को सब्सक्राइब करें और ऐसे नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर करें।